अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये देखिए, हम आपके लिए बहुत ही अच्छी डिज़ाइन लेके आए हैं जो बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। पीछे की साइड भी बहुत ही साफ़ है। ये देखिए, आप इसको बच्चों के स्वेटर में, लेडीज़ स्वेटर में, मफलर, कुशन, जो जो बनाना चाहिए आप आराम से बना सकती हैं और बहुत ही जल्दी बनती है। इसमें ये जो छह छेद हैं दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है और बनाने में भी बहुत ही आसान है। जो अभी नए नए स्वेटर बिनना सीखे हैं, बिगनर हैं, वो भी ये डिज़ाइन आराम से डाल सकते हैं। बस थोड़ा ध्यान दीजिए और आराम से बना लीजिए। इसके लिए हमने छः छः के मल्टीपल से फंदा लिया है और दो फंदा एक्स्ट्रा लिया है। तो आपको जितना भी डालना हो तो छः छः के मल्टीपल पे लीजिए और दो एक्स्ट्रा ले लीजिए। पहली लाइन हमको पूरी सीधी बिननी है, फर्स्ट रो पूरी सीधी बन के कम्प्लीट कर लेना है। ये हमने फर्स्ट रो कम्प्लीट कर ली है। अब हम उल्टी की साइड आके पूरा हमको उल्टे साइड पूरा उल्टा पूरा बिनना है। पूरी तीली हमको उल्टा कंप्लीट कर लेना है। अब हम फिर सीधी साइड आ गए तीसरी लाइन पे। एक फंदा हमने उतार लिया। अब एक फंदे को हमको पांच फंदा बनाना है। सीधा बनाया, ऊन आगे लाए, फिर सीधा बिना, फिर ऊन आगे लाए और फिर सीधा बिना। तीन बार सीधा बिनने से हमारा पांच फंदा तैयार हो जाता है। ये देखिए, हमारा पांच फंदा बन गया है। अब दूसरे फंदे पे हम दो बार लपेटेंगे और सीधा बिनेंगे, फिर लपेटेंगे दो बार, फिर सीधा बिनेंगे, फिर दो बार लपेटेंगे, सीधा बिनेंगे, फिर दो बार लपेटेंगे और फिर सीधा बिनेंगे। दो बार लपेटा और फिर सीधा बिना। पांच फंदा हमने इसी तरह लपेट लपेट के कंप्लीट कर लिया। अब छठे फंदे पे हम फिर पांच फंदा बनाएंगे। सीधा बिना, ऊन आगे लाए, फिर सीधा बिना, फिर ऊन आगे लाए और फिर सीधा बिना। एक का पांच फंदा हमारा बन गया। अब फिर दूसरा फंदे को दो बार लपेटेंगे, फिर सीधा बिनेंगे, फिर दो बार लपेटा, फिर सीधा बिना, फिर दो बार लपेटा, फिर सीधा बिना, फिर दो बार लपेटा, फिर दो बार लपेटा और सीधा बिना। इस तरह हमने पांच फंदा हमको इसी तरह पूरी लाइन अपनी कंप्लीट करनी है। ऊन आगे लाए, फिर सीधा बिना, फिर ऊन आगे लाए और फिर सीधा बिना। एक फंदे का पांच, एक का पांच बनाना है और पांच फंदे को दो दो बार लपेट के हमको अपनी पूरी लाइन कंप्लीट कर लेना है इसी तरह। आखिर का एक फंदा हमको सीधा बिनना और हमारी लाइन पूरी कंप्लीट हो गई। पीछे की साइड अब देखिए, एक फंदा उतार लिया। अब ये जो लपेटा था उसको खोलना है। एक, दो, तीन, चार और ये पांच।
पांचों कॉम को एक साथ करके एक फंदा उल्टा बिनना है। उल्टे की साइड पूरा उल्टा ही बिना जाएगा। ये देखिए एक उल्टा हो गया। अब ये पांच एक फंदे को जो हमने पांच बनाया था, अब इसको पांच उल्टा बिनना। तीन, ये चार और ये पांच। ये पांच फंदा बन गया। ये फिर खोला जो हमने लपेट लपेट के बनाया था, दो तीन चार और ये पांच। फिर इसको एक साथ उल्टा बिनना। इसी तरह हमको अपनी पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। पांच एक की ये डिज़ाइन है, छः और दो एक्स्ट्रा हम लोग ने साइड साइड के लिए लिया है। एक को पांच बनाना है और पांच को घुमा के ये देखिए पांच को हमने फिर एक कर दिया। आखिर में हमारा एक उल्टा बचेगा, उल्टा ही बिनना। इस तरह हमने पूरा लाइन अपनी पूरी कंप्लीट कर ली। अब हमको फिर से सीधे पे सीधा एक पूरी लाइन को हमको सीधा बिनना है। सीधी तीली पे पूरा सीधा हमको बिनना है। दो पे डिज़ाइन बनती है और एक उल्टी तीली और एक सीधी। चार चार की तीली की ये डिज़ाइन है। आठ तीली पे ये फूल हमारा कंप्लीट होता है। अब उल्टी साइड आ गए हैं तो उल्टा पूरा हमको ये तीली भी उल्टा पूरा बिन के कंप्लीट करना है। बिल्कुल आसान है और बहुत ही जल्दी होती है। हमारी उल्टी तीली भी कंप्लीट हो गई है। सीधी साइड आ गए हैं। अब देखिए यहाँ से डिज़ाइन चेंज हो जाएगी। पहले हमने एक का पांच बनाया था, अब एक उतारने के बाद फिर हम पांच फंदे को दो बार लपेट के फिर से बनाएंगे। ये सीधा बुना, दो बार लपेटा और सीधा बिन लिया। एक, फिर दो बार लपेटा, फिर सीधा बिन लिया। दो, ध्यान से देखिए तो आप डिज़ाइन समझ जाएंगे और बहुत ही जल्दी बना लेंगे। इसमें कुछ नहीं करना, बस लपेटना है और सीधा बिनना है। तीन, एक दो तीन, फिर लपेटा और ये चार, फिर लपेटा दो बार और ये पांच। हमारा पांच फंदा हमने लपेट के कंप्लीट कर लिए। एक छोड़ा है और पांच फंदा हमने लपेट के कंप्लीट किए। पहले हमने एक फंदे को पांच बनाया था, अब की पांच फंदे को लपेट के बनाया है। अब एक फंदे को अब हमको फिर से पांच फंदा बनाना है। बस यही ट्विस्ट है। चार तिल्ली में पहले पांच का एक बनाना है, फिर पांच बनाना है। अब फिर आगे लिए, फिर लपेट बिना, फिर हम उनको आगे किया, फिर बिना सीधा, और ये एक का पांच फंदा हमारा बन गया। अब फिर पांच को लपेटना है, फंदा बनाना है लपेट लपेट के। यही पूरी लाइन इसी तरह हमको अपनी कंप्लीट कर लेना है।
आखिर हमारा एक फंदा हमको एक से पाँच बनाना है। सीधा बिना ऊन आगे लाए, फिर सीधा बिना, फिर ऊन आगे लाए, फिर सीधा बिना, ये हमारा पांच फंदा हो गया है। और आखिर का हमको सीधा बिन के ख़त्म कर देना। अब ध्यान देने वाली बात ये है, इसमें हमको पहले उतार लिया, फिर ये पांच फंदा हमको बनाना है, बिनना है उल्टा। दो, तीन, ये चार और ये पांच। अब इसको खोलना है, एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच को खोल के और इसको एक उल्टा बिन लेना है। ये देखिए एक उल्टा बिन लिया। अब इसका एक, फिर एक का जो पांच बनाया था, अब इसको फिर उल्टा बिन लेना है। एक पांच, अब फिर खोलेंगे, एक, उनको पकड़ लेंगे, दो, तीन, चार और ये पांच। इसको एक बिन लिया उल्टा। इसी तरह हमको पूरी लाइन कंप्लीट कर लेना है अपनी। ये हमारी लाइन आखिर कंप्लीट हो गई। चार चार लाइन की डिज़ाइन है, आठ लाइन में ये लाइन हमारी कंप्लीट हो जाती है और हमारी डिज़ाइन बनती है। ये देखिए अब फिर हम सीधा उल्टा बिन के इसी तरह कंटिन्यू करते जाएंगे, हमारी डिज़ाइन बनती जाएगी और बहुत जल्दी बनती है। अब फिर सीधा बिन लेंगे, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा, इसी तरह बना बना के हमारी डिज़ाइन ये कंप्लीट हो गई। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।